सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों को। आज हमारी हिंदी की कक्षा है। हिंदी की कक्षा में हम सर्वप्रथम हमेशा की तरह अ से अ और क से ज्ञ पढ़ेंगे और उसके बाद हम दो अक्षर और तीन अक्षर वाले शब्दों को भी पढ़ेंगे। साथ में श से क्षत्रिय लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और एक नई कविता सीखेंगे, चिड़िया बोली कुट कुट कुट। तो शुरू करें हमारी हिंदी की कक्षा। हिंदी की पुस्तक में से पेज नंबर 3 निकालेंगे और पढ़ेंगे। अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ अं अह। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श त्र ज्ञ। अब हम पेज नंबर 71 पढ़ेंगे। अब सब मेरे पीछे पीछे बोलना। क प कप। हम चाय पीते ना कप में। ग प गप। गप मतलब बातें करना खूब सारी। छ प छ। ज प ज। प त पट। त प तप। प थ पथ रास्ता। पथ मतलब रास्ता। घ प घ। फ न फन। फट फट। कब कप। जब जब। टब टब। तब तब। दब दब। बन बन। कम कम। छम छम। जम जम। मत मत। आम आम। थम थम। दम दम। मन मन। बम बम। रथ रथ। राजा रथ में बैठता है ना। रट रट। रब रब। कर कर। घर घर। डर डर। पर पर। भर भर। कल कल। चल चल। जल जल। तल तल। दल दल। नल नल। पल पल। फल फल। बल बल। वन वन। वर वर। वक वक। शक शक। अ पर बिंदी। अंग अंग बोलेंगे और श अंश। र आ की मात्रा और त रात। यश यश। वश वश। हल हल। चख चख। इन सभी दो अक्षर वाले शब्दों को रोज पढ़ना आप। पेज नंबर 72 पर से हम तीन अक्षर वाले शब्दों को पढ़ेंगे। क म ल कमल। र बड़ रबड़। म टर मटर। ब त ख बतख। हम रोज पढ़ते हैं इन शब्दों को, आपको अच्छे से पढ़ना है। शहद शहद।
अपरा की मात्रा आसन आसन, बटन बटन, भगत भगत, सड़क सड़क, औषध औषध। इन सभी तीन अक्षर वाले शब्दों को रोज पढ़ना। बच्चों आपने श से क्षत्रिय अब लिखना सीख लिया है, तो हम इसकी फिर से एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। इस ब्लू लाइन से हम उल्टा एस बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे गोल करके, नीचे इसका टच करके टेल बनाएंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ के स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, यहाँ से स्लीपिंग लाइन बना के टच करेंगे और इसी स्टैंडिंग लाइन पे एक और स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। इस तरह से आपको श से क्षत्रिय लिखना है। आप इसकी रोज प्रैक्टिस करोगे ना घर पे, तो आप आसानी से श से क्षत्रिय को लिख पाओगे। इस तरीके से श से क्षत्रिय। उल्टा एस ऊपर ले जाके नीचे लाके पूंछ बनाना, स्टैंडिंग लाइन बनेगी, स्लीपिंग लाइन और ऊपर भी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के ऊपर। इस तरह से श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय लिखना है सुंदर राइटिंग में। श से क्षत्रिय। इस तरह से बहुत सुंदर लिखना है आपको। अब हम हिंदी की कविता की किताब में से नई कविता सीखेंगे। चिड़िया बोली कट कट। ये देखो एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया यहाँ बैठी है। चिड़िया क्या बोल रही है? कुट कुट कुट, मुझको दे दो दो बिस्कुट, क्योंकि चिड़िया को भूख लगी है। इस छोटी सी बच्ची को वो बोल रही है कि मैं खाऊंगी बिस्कुट और खाकर मैं सो जाऊंगी। अब ये लड़की तो बोल रही है कि यहाँ पे देखो दूध मलाई पड़ी है, तो चिड़िया कह रही है दूध मलाई रखी है उसमें दो दो मक्खी है, कैसे खाऊं कैसे खाऊं, मक्खी डलावा अगर दूध में है तो हम थोड़ी खाएंगे। तो चिड़िया ने भी उसमें मक्खी देखी और वो नहीं उसको खाएगी। अब चिड़िया बोल रही कैसे खाऊं क्या मैं भूखी ही सो जाऊं। अभी चिड़िया इसको रिक्वेस्ट कर रही है मुझे दो बिस्कुट दे दो, मैं नहीं खाऊंगी ये दूध मलाई मक्खी वाली। तो अब हम इस कविता को सीखेंगे, शुरू करें सीखना। चिड़िया बोली कट कट कट, मुझको दे दो दो बिस्कुट, भूख लगी है खाऊंगी, खाकर मैं सो जाऊंगी। दूध मलाई रखी है उसमें दो दो मक्खी है, कैसे खाऊं क्या मैं भूखी ही सो जाऊं। एक बार फिर से इस कविता को हम बोलेंगे। चिड़िया बोली कट कट कट, मुझको दे दो दो बिस्कुट, भूख लगी है खाऊंगी, खाकर मैं सो जाऊंगी। दूध मलाई रखी है उसमें दो दो मक्खी है, कैसे खाऊं क्या मैं भूखी ही सो जाऊं। इस कविता को याद करना, इसका ऑडियो या वीडियो बनाना, सारा कार्य अच्छे से करके मुझे उसकी पिक्चर्स जरूर सेंड करना।